सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो गाइस आप सभी लोग ठीक हो गए और आगे भी ठीक रहे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि MSTS के क्या रीजंस थे जिसके कारण उसने कॉपीराइट स्ट्राइक देना शुरू किया। हालांकि मेरे को पता है कि आप सबको भी थोड़ा बहुत जानकारी है कि उसके मॉडल्स को इनलीगली इम्पोर्ट किया जा रहा था दूसरे गेम के लिए, तो उसके कारण कॉपीराइट स्ट्राइक दी जा रही है। पर गाइस उसके अलावा भी गाइस एक बहुत बड़ा रीज़न था, नहीं तो MSTS ने जब एक साल से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दी तो अभी वो क्यों दे रहा है। सो गाइस उस चीज़ों को लेकर गाइस मैंने अपनी वीडियोस भी रिमूव कर दी क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना है। और दूसरी चीज़ गाइस उन वीडियोस को रिकवर करने के लिए गाइस मेरे जो सोल्यूशन है उसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा। पहले तो गाइस आप इतना समझिए कि दिसंबर 2018 में गाइस विदित को एक नोटिस दिया गया कि वो जो भी मॉडल्स बना चुके हैं उनको डिलीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर आगे की जो प्रोडक्शन है वो ना करें। और रीज़न क्या था मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद जनवरी 2019 में भी दोबारा से आया ठीक, और फिर उसके बाद मार्च में भी दिया गया। फिर उसके बाद मार्च को छोड़कर फिर उतना टाइम तक MSTS कुछ नहीं बोला ठीक है ना। फिर लास्ट वार्निंग दोबारा जनवरी 2020 में दिया गया, तब भी नहीं सुनाया गया, मतलब कोई भी तहकीकात या कुछ भी नहीं हुआ, सब खाली ख़त्म ठीक। अब ध्यान से सुनो, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि विदित जो भी मॉडल कन्वर्ट कर रहा था वो सब दूसरे ओनर के थे ठीक। वो लोग भी अपने मॉडल्स को खुद क्रिएट कर रहे थे और उनको MSTS को दे रहे थे और उन्हीं मॉडल्स को वो क्रिएट करके बिना ही मतलब कुछ भी ना क्रेडिट दे रहा था ना कुछ, और उल्टा उसे पेड लिंक्स के थ्रू आप तक पहुंचा रहा था, जैसे GP लिंक हो गया ये सब तो हो गया रहा था। उसको जो HD मॉडल्स थे वो भी MSTS के थे, उससे अर्निंग हो रहा है, प्लस यूट्यूब से उसको अर्निंग हो रहा है, प्लस लिंक से अर्निंग हो रहा है। और यूट्यूब से अर्निंग क्यों हो रहा है क्योंकि वो MSTS के मॉडल इस्तेमाल कर रहा था जो दूसरे आदमी के थे। तो गाइस इसी के चक्कर जो ICF कोच के वो जो डायरेक्टर थे मतलब जिन्होंने उसको बनाया था, एक तरीके से हम लोग डायरेक्टर ही उसको कह सकते हैं, तो उन्होंने बताया, कंप्लेन फाइल किया था अपना, तो उनके कंप्लेन के ऊपर नोटिस दिया गया पर विदित नहीं माना। तो गाइस अभी उन सारे चैनल्स को कॉपीराइट दिया जा रहा है जो जो विदित के कांटेक्ट में है। स्पेशली गाइस अभी तक 3 चैनल शायद बंद हो चुके हैं, उन लोगों को पता होगा जो जो चैनल बंद हो गए हैं स्ट्राइक के कारण। तो गाइस ऐसे गाइस मतलब मैं तो अवेलेबल भी नहीं था 7-8 महीना आई थिंक सो कि मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी, अभी रिसेंटली से डाल रहा हूँ। तो गाइस मेरे को इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है या फिर क्या। तो गाइस ऐसा कुछ ना हो तो यही ज़रा अच्छा था सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंटेंट थे जिसके कारण अब उनको डिलीट करना पड़ रहा है अपनी वीडियोस, जैसे दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो, जैसे मेरी अनाउंसमेंट वाली वीडियो थी तो गाइस वो दूसरे टॉपिक पर थी पर MSTS एडेंस के कारण मुझे उसको भी डिलीट करना पड़ा। सो गाइस अभी मेरी MSTS कम्युनिटी से बात हुआ था तो उन लोगों का ये कहने का मतलब था कि जो भी मॉडल्स हैं आप उनको प्राइवेटली यूज़ करो, पब्लिकली मॉडल्स ना ही दिखने चाहिए ना ही उनकी लिंक्स होनी चाहिए ठीक। ये टैगलाइन आप याद रखना, किसी के पास भी हो तो प्लीज़ उसको आप पब्लिकली मत जाहिर करना, नहीं तो आपका भी चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ सकता है। सो गाइस अभी जो 5 टॉप ट्रेंडिंग चैनल्स हैं जिनके ऊपर बेसिकली वीडियोज़ फाइल हुई है, पहला है इंडियन ट्रेंड सिम, दूसरा है फ्रेंच ऑल इन हिंदी, तीसरा है गेमिंग वर्ल्ड एंड इन्फॉर्मेशन, और चौथा है एंड्रॉयड गेमर, और पांचवा है भारत रेल सिम्युलेटर। तो गाइस इन सारे चैनल्स का जो है वो वीडियो उन तक पहुँच गया, जो लोग अपना वीडियो रिमूव कर दियो बहुत अच्छा काम किया, अब स्ट्राइक से बच जाओगे, या फिर अगर MSTS को अगर आपके कंटेंट में से अगर एक भी वीडियो मिल गया कॉपीराइट दे देगा ठीक। अभी ये बात था, ये रीज़न था क्योंकि गाइस काफ़ी सारे यूट्यूबर ने एक बात बस खाली इतना फैलाया था कि इनलीगली कन्वर्ट किया गया है, बल्कि गाइस ये असली रीज़न नहीं था क्योंकि MSTS जब एक साल से कुछ नहीं बोला तो वो अभी भी नहीं बोलता अगर विदित उसको GP लिंक्स के थ्रू हम लोगों तक नहीं पहुँचाता, मतलब उससे उसकी अर्निंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो गाइस अभी विदित का तो एक वीडियो तो साफ, अभी 2 वीडियो के ऊपर कंप्लेंट है, अब देखते हैं गाइस क्या होता है अगर उसका। वैसे अब तो मेरे को लग रहा है कि अब जहाँ तक वो शायद पेड लिंक नहीं यूज़ करेगा, तो गाइस अब देखते हैं गाइस की क्या होता है, और बस इतना ही। और हाँ गाइस मैं आप लोगों को सोल्यूशन के बारे में बताने वाला था। तो गाइस सोल्यूशन ये है, सिंपल सा सोल्यूशन मैंने निकाला है कि मैं एक वेबसाइट क्रिएट करूँगा जैसा कि MSTS
वाले बोले हैं कि मतलब कोई भी एडेंस को आप पब्लिकली या फिर वैसे आप कोई व्यू नहीं कर सकता है। तो गाइस मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना, वेबसाइट पे जितने भी एडेंस थे मेरे MSTS वाले जो प्रेजेंट में है बिना किसी चेंजेस के, जो प्रेजेंट में MSTS वाले और जो नॉन MSTS एडेंस हैं उन सबको मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा। तो गाइस अगर जिसको भी डाउनलोड करना है प्राइवेटली डाउनलोड करना भाई, मतलब किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कॉपीराइट स्ट्राइक आए मेरे चैनल पर। हालांकि वेबसाइट के ऊपर स्ट्राइक जरूर आ सकता है, तो उसके लिए मैं सिंपली लिंक यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे शायद वो लोग ना दें पर दे देते हैं, तो नो प्रॉब्लम। नया वेबसाइट बनाएंगे, नया डालेंगे, बट MSTS वालों की बात भी रखना जरूरी है, क्योंकि किसी और की मेहनत हम लोग ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब गाइस दूसरी बात कि वेबसाइट तो गाइस आ जाएगी, अभी बिल्डअप हो रहा है, मेरा फ्रेंड बिल्डअप कर रहा है रवि, तो गाइस वो जब बिल्डअप कर लेगा तो गाइस मैं आप लोगों को जरूर से ज़रूर उसका लिंक दे दूँगा। एंड प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, और स्पेशली कोरोना का टाइम भी चल रहा है और TLW के लैग से भरे भरे तो भाई पूरे मॉडल पे कोई नहीं खेल पाएगा। तो बस गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए वेबसाइट का जो लिंक होगा वो, और वेबसाइट के कंटेंट्स मैं अच्छे समझा दूँगा कि क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें नहीं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।